हेलो दोस्तों, इनोवेटिव आइडियाज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कंप्यूटर की कैबिनेट के अंदर ऑडियो सिस्टम असेंबल करना बताऊंगा। आपको अलग से ऑडियो सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कंप्यूटर की कैबिनेट के अंदर ही इनबिल्ट हो जाएगा ये ऑडियो सिस्टम। ये पाम 8403 छोटा सा एम्पलीफायर ऑडियो मॉड्यूल है जो मैंने ईवे से परचेज किया हुआ है। इस मॉड्यूल के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर जो L और R लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑडियो इनपुट देना है आपको। बीच वाला जो कनेक्शन है ये कॉमन रहेगा ग्राउंड, और यहाँ पर आपको 5 वोल्ट की सप्लाई देनी है प्लस एंड माइनस। ये लेफ्ट स्पीकर आउट और ये राइट स्पीकर आउट, बस इतना सा सिंपल कनेक्शन है जो कि आपको करना है। कंप्यूटर की कैबिनेट के अंदर आप स्पीकर्स का बेहद ख्याल रखें। स्पीकर जो यहाँ पर यूज होंगे वो कैपिंग वाले स्पीकर होंगे जिसमें मैग्नेट के ऊपर कैप लगा हुआ है। ये स्पीकर्स एलईडी टेलीविजन या एलसीडी में मिलते हैं, या अलग से मार्केट में आप परचेज कर सकते हैं। ओपन मैग्नेट वाले ना लगाइएगा क्योंकि हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ सकती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ 6 ओम 12 वॉट स्पीकर हैं, दो पीसेस, एक साटा पावर केबल, ऑक्सिलरी केबल और थोड़े से वायर्स। आइए इनका कनेक्शन करते हैं। ऑक्सिलरी केबल को मैंने आधा काटा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 3 वायर्स मिलेंगे आपको, ग्रीन, रेड एंड गोल्डन। यहाँ पर गोल्डन कलर जो है वो कॉमन वायर है, यानी कि ग्राउंड है। आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। ऑक्सिलरी केबल का ये एंड जो है वो ग्राउंड होता है। ये लेफ्ट चैनल, ये राइट चैनल, या ये लेफ्ट चैनल, ये राइट चैनल, और ये ग्राउंड। मैं थोड़ा सा फ्लक्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉलिश्ड वायर है। ये जो गोल्डन वायर है ये यहाँ पर ग्राउंड या कॉमन है, और ग्रीन और रेड ये आपके लेफ्ट चैनल एंड राइट चैनल है। ये ऑडियो इनपुट। अब दो कैप लीजिएगा बॉटल के, खाली कैप, प्लास्टिक के दो कैप लीजिएगा, प्लास्टिक बॉटल खाली कैप हो, ताकि ये मॉड्यूल उसमें रख के हम इसको कवर अप कर सकें। गोल्डन वायर को हमें बीच में करना है। ऑडियो इनपुट के वायर्स कनेक्ट करने के बाद स्पीकर्स, ये यहाँ पर जो दे रखा है राइट ऑडियो, राइट आउट, लेफ्ट आउट, तो यहाँ पर ये स्पीकर्स के वायर कनेक्ट होंगे। इसके बाद आप साटा पावर केबल लीजिए और इसको यहाँ से कट कीजिएगा। येलो वायर 12 वोल्ट की सप्लाई देता है कंप्यूटर से, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लैक वायर सिर्फ एक रहने देते हैं सो दैट वी हम लोगों को नेगेटिव मिल जाए। तो ये जो दोनों सप्लाई बची हैं मेरे पास, रेड एंड ब्लैक, ये 5 वोल्ट की सप्लाई बची हुई है। इसको आप यहाँ पर सप्लाई भी कनेक्ट कर दीजिएगा। कंप्यूटर कैबिनेट में असेंबल करने से पहले एक बार इसको चेक करते हैं। ये मैंने 5 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है और इनपुट मोबाइल से दे रहा हूँ मैं। वर्किंग फाइन, चेक करने के बाद इसको हम डीअसेंबल करके कंप्यूटर की कैबिनेट में असेंबल करेंगे। अब अपने डेस्कटॉप का लेफ्ट पैनल लीजिए, लेफ्ट या राइट जो भी बाहर आता हो, और स्पीकर को यहाँ पर माउंट कीजिएगा। और माउंट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर, स्क्रूज एंड नट्स की ज़रूरत होगी, वो ले लीजिएगा।
ये मेरा डेस्कटॉप सिस्टम है, यहाँ पर मैं अंदर इसमें असेंबल करता हूँ। ये जो ऑक्सिलरी केबल है ये आपको यहाँ से बाहर निकालनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर हम इनपुट दे सकें ऑडियो के लिए। और ये जो है सिंपली आप इसमें कनेक्ट कर दीजिएगा 5 वोल्ट सप्लाई के लिए और इसको छोड़ दीजिएगा। और हॉट ग्लू गन से आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं इजीली। पेस्ट होने के बाद आप स्पीकर्स के कनेक्शन कर दीजिएगा। यहाँ पर ये दोनों स्पीकर्स मैंने वायर से कनेक्ट कर दिए हैं प्रॉपर। अब आप इस केसिंग को इस कवर को लगा दीजिएगा और ऑक्सिलरी केबल को ऑडियो इनपुट में कनेक्ट कर दीजिएगा। अब देखते हैं इसका रिजल्ट। दोस्तों चलिए मैं इसका आपको डेमो देता हूँ। ये यहाँ पर स्पीकर्स कनेक्टेड हैं, दोनों दिखाई पड़ रहे हैं और मैंने सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है इसको। चलिए गाना आपको प्ले करके दिखाते हैं कि कितनी साउंड है इसमें। गाना प्ले हो रहा है। एक ये स्पीकर, दूसरा ये स्पीकर। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप ज़रूरी नहीं है कि पाम 8403 का ही यूज़ करें ऑडियो एम्पलीफायर के लिए। आप चाहें तो मेरा ब्लूटूथ साउंड सिस्टम वाला जो मैंने वीडियो डाला हुआ है उसमें 6283 IC का यूज़ करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके कनेक्शन सर्किट वगैरह मैंने सारा कुछ उस ब्लूटूथ साउंड सिस्टम कैसे बनाएं उसमें दे रखे हैं, इसका लिंक भी मैं दे दूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ डू सब्सक्राइब इनोवेटिव आइडियाज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।